तो जो मेरी आज की वीडियो है वो उन टीचर्स के लिए है हु बेसिकली होल्ड्स द माइक ड्यूरिंग द असेंबली, यानी कि वो टीचर्स भाई जिनके हाथ में माइक होता है, जो पोडियम पर होते हैं और जिन्हें असेंबली कंट्रोल करनी होती है। बेसिकली ये काम किसका होता है? ज़्यादातर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए। और भी मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंट तो पूरे होते हैं, पोडियम से उन्हें डर नहीं लगता, बट उन्हें डर लगता है थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज से, यानी कि कमांड जो इंग्लिश में देनी पड़ती है ड्यूरिंग द असेंबली वो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ा देती है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया कि मैम ऐसे कुछ वोकैबुलरी टिप्स बता दीजिए जिससे कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है ड्यूरिंग द असेंबली, क्योंकि उस वक्त पूरा स्कूल देख रहा होता है कि भाई टीचर क्या बोल रहा है, अगर गलती हो जाए या झिझक के अटक अटक के रुक रुक के बोले हम किसी वर्ड्स को तो दैट गिव्स अ बैड इंप्रेशन। चाहे आप कितने भी अच्छे फिजिकल ट्रेनर हो, चाहे आप कितने भी अच्छे टीचर हो, बट पोडियम पे आपका इंप्रेशन पूरे स्कूल के सामने जो है वो नेगेटिव चला जाता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेटेड फील कराएगी अगर आपको कभी असेंबली टाइम पर पोडियम पे स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है। तो सबसे पहली बात कि आपके हाथ में है माइक, पूरा स्कूल जो है वो ग्राउंड में आपके सामने फॉलन है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है? देखिए बहुत ऑब्वियस ही बात है कि आपको सुनने के लिए आप वो पहले व्यक्ति हैं जो माइक पर आकर सुबह सुबह बोलना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हार्टली वेलकम करना है सबको, यानी सबको गुड मॉर्निंग विश करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, दिस कैन बी योर वन वे, या फिर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस कैन बी योर अनदर वे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर इन द असेंबली। तो यू कैन यूज एज योर ओन कम्फर्ट, इनमें से जो आपको पसंद आए, जो इजीली आप बोल लें वो आप बोलना। पहले होता है कि आपकी गुड मॉर्निंग का जो रिस्पॉन्स है उधर से जरूर मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, दे विल ऑल्सो से गुड मॉर्निंग, बट वो गुड मॉर्निंग ऐसी होती है कि हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो उस चीज़ को वो टाइम होता है जब आप अपना जो इंप्रेशन होता है ना, और स्कूल के बच्चों के अंदर जितना भी उनका स्टफ उनके दिमाग में चल रहा होता है अभी तक, वो घर के रास्ते के सब चीज़ों के बारे में अपने दिमाग में उनके चल रहे होते हैं, उन सब से आपको उसे बच्चों को कहाँ लेके आ जाना है? असेंबली ग्राउंड के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीक लाउडली, स्पीक विद फुल ऑफ एंथुजियाज्म, आई एम नॉट गेटिंग योर वर्ड्स, से अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, they'll say good morning sir या good morning ma'am, more louder good morning everyone। हर बार आप ही बोले और जोश से बोले तो उतना ही जोश आपको उधर से रिटर्न में मिलेगा, और बड़ा ही ना हैप्पी वाला माहौल जो है वो असेंबली में क्रिएट हो जाता है जब आप इस तरीके से बोले टेंशन करें। और वो कब करेंगे? उतने एंथुसियाज्म के साथ जब आपकी आवाज में उतना उत्साह होगा। तो यू शुड बी लाइक स्टैंडर्डीज अटेंशन स्कूल, स्टैंडर्डीज अटेंशन, दैट शुड बी लाइक। अगर मैं इसे ज़्यादा चिल्लाऊंगी तो शायद मेरे फोन का जो माइक है वो फट जाएगा, बट यू शुड बी लाइक कि हाँ बच्चों के अंदर एकदम जोश भर जाए। उसके बाद आप लोग बोले, जब जैसे ही वो अटेंशन की पोजिशन में हो, देन यू से गेट रेडी फॉर द मॉर्निंग असेंबली। तो रेडी हो गए वो मॉर्निंग असेंबली के लिए, बिल्कुल रेडी हो गए, या फिर गेट रेडी फॉर द प्रेयर, जब आपने असेंबली बोल दी असेंबली के लिए वो बिल्कुल तैयार हो गए। नाउ गेट रेडी फॉर द प्रेयर, अब रेडी फॉर द प्रेयर हो गए, join your hands, close your eyes and start the prayer, this can be your words, जो जरूर आपको बोलने चाहिए, अच्छा लगता है। अगर आपने नॉर्मल एक सेंटेंस में बोल दिया गेट रेडी फॉर द मॉर्निंग असेंबली, तो वो चीज़ क्या होती है कि कुछ बच्चे उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, कुछ नहीं देते, कुछ अपने तरीके से लगे होते हैं, आंखें किसी की खुली होती है, किसी का हाथ यहाँ जा रहा होता है, किसी का पैर नहीं जा रहा होता है। तो आपको प्रॉपर आपने पहले स्टैंडर्डीज अटेंशन करानी है, देन गेट रेडी फॉर द असेंबली, देन गेट रेडी फॉर द प्रेयर, ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट द प्रेयर, देन प्रेयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, प्रेयर जो है वो खत्म हो जाएगी, देन आपकी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार होना चाहिए स्टूडेंट को, देन ओनली वो अपने हैंड्स को डाउन करें। फिर उसके आप बोलेंगे कि डाउन योर हैंड्स, ओपन योर आइज। इवन आप छोटे बच्चों को भी अगर असेंबली कराते हैं तो यही तो होती है चीज़ जो बच्चों की वोकैबुलरी को एनहेंस कर रही है, बढ़ा रही है। अगर आप इतनी इंग्लिश उनके सामने बोलेंगे तो एटलीस्ट ये वर्ड उनके कानों में जाएंगे और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इन शब्दों का अर्थ तो बच्चों को समझ में आने वाला है ना। आपने प्रेयर करा ली, नाउ रेडी फॉर टूडेज थॉट, जो भी व्यक्ति है आपका, जो भी बच्चा है उसका नाम लेके आप बोल सकते हैं कि राहुल इज कमिंग टू रेंडर अ थॉट फॉर द डे। ये भी थॉट होने के बाद न्यूज जो है वो जरूर असेंबली में होती है, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं गेट रेडी फॉर टूडेज हेडलाइन, या ये बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेके जो बच्चा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आकाश इज कमिंग टू रीड टूडेज न्यूज़ पेपर, ठीक
ठीक है, सो लिसन केयरफुली। अब कई बार ऐसा होता है कि न्यूज के बाद ज्यादातर स्कूल में 5 to 10 क्वेश्चंस का क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है, स्कूल के अंदर क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, जो पोडियम से एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, उधर से सारे स्कूल में से जो है हाथ उठा के बच्चे जो है आंसर्स देते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आप बोल सकते हैं नाउ रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, नाउ रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। उसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है ब्लंटली आंसर्स देते हैं, ये वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो यू नीड टू मेंटेन द डेकोरम, यू नीड टू मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ दैट असेंबली। तो दैट टाइम यू कैन यूज ओनली हु विल रेज योर हैंड दे आर अलाउड टू गिव देयर आंसर्स, या फिर यू आर सपोज टू गिव द आंसर्स ओनली वेन यू आर रेजिंग योर हैंड्स। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, दैट इज अप टू यू, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। Give the answer only when we are going to ask, ये भी बोल सकते हैं आप। Give the answer when we allow you to ask, ये भी बोल सकते हैं आप। That is up to you, जो आपको easy लगे, जो आपके लिए comfortable हो, वो line, वो statement आप वहाँ पर बच्चों पे चिपका सकते हैं। या फिर सबसे अच्छी बात क्या है, हर दिन अलग अलग बोलिए ना, इससे आप भी रिजल्ट नहीं होके रह जाएंगे, स्थिर नहीं होके रह जाएंगे, अपनी आपकी जुबान पर कुछ गिने चुने शब्द जो है वो चढ़े नहीं रह जाएंगे, बच्चों को ये नहीं लगेगा कि ये तो भाई रट के आए हैं। हर दिन कुछ नया जो है आप बोलने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो ऑब्वियसली आपके अंदर भी जो कम्युनिकेशन स्किल का डर है वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अगर कोई स्पीच देता है मॉर्निंग असेंबली में, तो बच्चे का नाम आप ले लें या कुछ टीचर का नाम ले लें, फॉर एग्जाम्पल मिसेज स्मिथ इज कमिंग टू गिव अ स्पीच, किसी बच्चे के नाम लेना है आपको, रोहन इज कमिंग टू रेंडर स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी असेंबली ऑलमोस्ट ये सब काम हो जाता है, आप चीज़ का ध्यान रखें कि प्रिंसिपल जो होते हैं वो ज़रूर असेंबली में आके कुछ ना कुछ बोलते हैं भाई, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उन्हें इन्वाइट करना है स्टेज पर हमेशा, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि प्रिंसिपल बोले मुझे बोलना है कि अच्छा आप माइक छोड़ के हट जाओ कि आ जाओ जी अब आप बोल लो, मैं तो बोल बोल के थक गया। नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें इनवाइट करना है। किस तरीके से, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम टू रेंडर सम वर्ड्स इन द मॉर्निंग असेंबली, आई वुड लाइक टू कॉल आवर प्रिंसिपल मैम टू रेंडर सम वर्ड्स इन आवर मॉर्निंग असेंबली, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर आई वुड लाइक टू कॉल आवर प्रिंसिपल मैम टू से सम वर्ड्स टू आवर स्टूडेंट्स, और इससे भी बेस्ट ये हो सकता है, आई वुड लाइक टू कॉल अ प्रिंसिपल मैम टू एड्रेस यू ऑल, आई वुड लाइक टू कॉल प्रिंसिपल मैम टू एड्रेस यू ऑल, वो भी बहुत इफेक्टिव लगेगा। अब तो प्रिंसिपल मैम जो है वहां से चली गई, तो भाई वो चली गई, फिर आपने क्या मेरी मरी आ गई, फिर से माइक मेरे हाथ में आ गया, नहीं ये नहीं करना है आपको। प्रिंसिपल मैम गई या मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति या गेस्ट कई बार आ जाते हैं, तो वो गए हैं बोल के बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतना सारा ज्ञान दिया है, तो आपको क्या बोलना है, थैंक्स। और वो थैंक्स कैसे बोल सकते हैं आप, थैंक यू सो मच मैम और सर फॉर योर वैल्यूएबल स्पीच, थैंक यू सो मच सर और मैम फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स, थैंक यू सो मच मैम और सर फॉर योर वैल्यूएबल रिमार्क्स, थैंक यू सो मच मैम और सर फॉर योर वैल्यूएबल ब्लेसिंग्स। तब जो भी अगर उन्होंने किसी चीज़ की तारीफ कर दी तो ब्लेसिंग यूज़ कर दीजिए, आपके बच्चों के बारे में कुछ ज़्यादा अप्रिसिएशन कर दिया तो रिवॉर्ड्स कर दीजिए, प्राइजेस दिए तो रिवॉर्ड्स कर दीजिए, अदरवाइज नॉर्मल थैंक्स भी आप कह सकते हैं। फिर वही बात है, अलग अलग दिन अलग अलग सेंटेंसेस को आप यूज़ करिए। फिर से आप बोलेंगे स्टैंडर्डाइज क्यों, आप वो इतना लंबी स्पीच इतने टाइम तक खड़े होके वो फिर से क्या होते हैं, ढीलम ढाले हो जाते हैं, गिरने इधर टेढ़े एक पैर पे खड़े होने ये सब उनका होना जो है वो शुरू हो जाता है तो उस सिचुएशन में। और बीच बीच में भी आप काम करते रहें, जब आपको लगे कि बच्चे जो हैं वो थोड़े से ढीले पड़ गए हैं, उनका एंथुसियाज्म थोड़ा सा कम हो गया है, तो आप फिर से बोले फुल ऑफ जोश, स्टैंडर्डाइज अटेंशन, स्टैंडर्डाइज अटेंशन। तो ये चीज़ जब आप बोलते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो रीगेन हो जाती है, ठीक है। तो अब उसके बाद बोलेंगे दिस इज All for morning assembly, फिर स्टैंडर्डाइज अटेंशन, देन मार्च टू योर क्लासेस, ये भी बोल सकते हैं मार्च टू योर क्लासेस, यानी अपनी क्लासेस में जाइए, गो बैक टू योर क्लासेस, अपनी क्लासेस में वापस जाइए, ये भी बोल सकते हैं आप। तो उसे बोलने से पहले आपको क्या बोलना है, जैसे आपने बोला गो बैक टू योर क्लासेस, या आप अपनी असेंबली को अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेजते हो, तो इसके लिए कह सकते हैं कि अप टू क्लास 5 टर्न राइट एंड मूव टू योर क्लासेस, क्लास 10 टू क्लास 12 टर्न राइट एंड बैक टू योर क्लासेस, और जो बीच वाले टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब उल्टे घूम जाओ एंड मूव टू योर क्लासेस, मतलब जिस भी डायरेक्शन में आपको उन्हें भेज रहा हूँ मैंने आपको बता दिया, टर्न राइट टर्न लेफ्ट टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब उल्टे घूम के पहुंच जाओ, इससे ज्यादा तो आप उन्हें ऑफिस से घुमाने वाले नहीं है। और उसके बाद ये जरूर ध्यान रखना है कि उस टाइम में आप लेफ्ट राइट लेफ्ट ये वर्ड्स बोलते रहे, इससे मतलब जो एक डिसिप्लिन होता है ना असेंबली का वो बड़ा अच्छा मेंटेन होता है कि बच्चे जो है लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट करते हुए अपनी क्लासेस में जो है
वो वापस पहुंच जाते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने ये भी एक वीडियो डाली है कि असेंबली के दौरान आप क्या क्या नए एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी स्कूल असेंबली को कंडक्ट करा सकते हैं, उसे आप देख लें। वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।